धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर, आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा इस बैठक में शामिल होंगी। कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजीव भवन में मीटिंग होनी है, रात 8:30 बजे ये मीटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। कोर कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजीव भवन में मीटिंग होनी है ये, और समय निर्धारित किया गया है रात करीब 8:30 बजे का। तो बस 2 दिन बचे हैं जब तस्वीर साफ हो जाएगी छत्तीसगढ़ की कि किसकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल आपने देखा, एग्जिट पोल में बताया जा रहा अनुमान है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में, और रिजल्ट से ठीक पहले आज कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग। क्या कुछ मायने हैं इस मीटिंग के, वो भी हम जानेंगे। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी। कोर कमेटी के मेंबर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, रिजल्ट से ठीक पहले कोर कमेटी की बैठक हो रही है, एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ मायने हैं इस बैठक के और कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बैठक में? ममता बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में बैठक होगी, 8:30 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चरणदास महंत शामिल होंगे, शिव डहरिया शामिल होंगे। कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में खासतौर पर अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल जो आए हैं उस पर तो चर्चा होगी ही। इसके साथ ही चूंकि मतगणना को केवल 1 दिन बचे हुए हैं तो किस तरह की रणनीति होगी तमाम जगह पर जो है वो दूसरी बात यह है कि इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कि सभी को रायपुर लौटना है इस पर, और चूंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, देखिए पार्टी जरूर दावा कर रही है, कोई कह रहा है कि 75 पार, जैसे कि मंत्री मोहम्मद अकबर से हमने बात किया उन्होंने कहा कि 75 पार है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये तो एग्जिट पोल के नतीजे, हम उनसे कहीं ज्यादा आगे जाएंगे। और जो तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग तरीके दावे कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं 60 के ऊपर सीटें आएंगी, तो दावे अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरी तैयारी भी रखी जाती है, और यही वजह है कि नतीजों के बाद में क्या स्थिति हो सकती है और ऐसे में विधायकों को कैसे संगठित रखा जाए, और जो मतदान केंद्र है वहां, जो मतगणना केंद्र है वहां पर किस तरह के चौकन्ने होकर रहना है, स्ट्रांग रूम के बाहर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कहां पर रहेगा, और नतीजे आने के बाद में किस तरह की चीजें होंगी, ये तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति जो है वो यहां पर बनाई जाएगी राजीव भवन में। और काफी इम्पोर्टेंट ये बैठक है, चूंकि अगर हम बात करें तो बस आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो कल का बस 24 घंटा है, उसके बाद परसों सुबह से जो है वो नतीजों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और हालांकि ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं, अगर हम बात करें तमाम जो मंत्री जो हैं वो भी मतगणना स्थल पे अपने अपने क्षेत्र पे मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बाद सभी से ये कहा गया है कि अपना सर्टिफिकेट जैसे ही नतीजे आए तुरंत आप सर्टिफिकेट लीजिए और सीधे रायपुर की तरफ रुख करिए। यानी कि दोनों ही तरह की स्ट्रेटेजी पे जो है वो कांग्रेस चल रही है, और जिस तरह से संचार विभाग का बयान भी आया था कि देखिए हर पार्टी अपनी एक रणनीति लेकर चलती है, किसी भी तरह की शंका आशंका जो है उसको भी इफ और बट जो है उसको भी माना जाता है, और यही वजह है कि इसलिए भी प्रत्याशियों से कहा गया है। हालांकि चार्टर प्लेन वाली बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि दूसरी तरह की अगर बाड़ेबंदी की स्थिति होगी तो किस तरह से किया जाएगा इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि कुमारी तो कुल मिलाकर ममता रिजल्ट से पहले कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू करने वाली है, किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए रिजल्ट के बाद। बहुत शुक्रिया ममता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।